नाम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, जदयू और बीजेपी के बीच जो पोस्टर वॉर है वो रुक नहीं रहा है। अभी ठीक डाक बंगला चौराहा पर जदयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया जिसको आप देख सकते हैं, इसमें लालू प्रसाद यादव को जो है गाय पर बिठाया गया और लिखा गया है लूटता रहा बिहार संपत्ति अर्जन में मस्त परिवार। साथ में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है जिस तस्वीर में उनके सर के ऊपर एक बोरा रखा गया, उस पर लिखा गया जमीन घोटाला, पशुपालन घोटाला और अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला और अन्य घोटालों का जिक्र जो है किया जा रहा है। और लगातार जो बिहार में पोस्टर वॉर जो देखा जा रहा है, कभी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बिहार को बदनाम करने के लिए नीतीश कुमार के लिए लिखा जाता है पटना की सड़कों पर, तो वही उसके ठीक तुरंत बाद जो जदयू की तरफ से जवाब आ जाता है। और ये जवाब जदयू ने दिया है, लिखा है राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, यह उस समय की बात है बिहार में जब लालटेन हुआ करता था और साथ में बिहार को किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने लूटा है, इन तमाम बातों का जो है वो जिक्र किया गया है। आपको बता दें ठीक 9 महीने बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले जिस तरीके से कोल्ड वॉर जो दिख रहा है ये साफ दर्शाता है कि आने वाला 2020 का विधानसभा चुनाव कितनी ज़्यादा सख्त तरीके से होगा। हर कोई जो है जीतने के लिए जुटा हुआ है, तमाम कोशिशें जो है वो जारी है। तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें तो वो जनता को भी संबोधन कर रहे हैं और एक तरफ ट्विटर पे भी लगातार एक्टिव है, और पोस्टर की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार पोस्टर को दिखा करके जनता को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही। तो वही ठीक है, जदयू भी जो है उसी लाइन में लगी हुई है और जदयू भी हर ईंट का जवाब राष्ट्रीय जनता दल का पत्थर से दे रही है और नया पोस्टर लगा करके जनता को दिखा रही है किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में पिछले 15 साल जो था वो लूटा गया बिहार को, अन्य घोटाला जो है वो किया गया। बहरहाल 9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, ये पोस्टर क्या कुछ रंग लाएगी, क्या जनता के मन को बदलने में ये पोस्टर कितना काम आएगा, ये आने वाला विधानसभा चुनाव ही बता पाएगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।